दुबई में मुझे पता चला है आपकी अरिजीत सिंह से मुलाकात और आपने उसे इनविटेशन भी दी सिंध और हिंद मेला करेंगे। मेला करेंगे और उसने कोई करोड़ रुपया मांग लिया <laughs> वो क्या कन्वर्सेशन थी बताया के मुझे बड़ा शौक है पाकिस्तान आने का लेकिन हालात मेरे कहा पाकिस्तानियों को भी आपको बुलाने का बड़ा शौक है तो मैंने कहा वैसे करेंगे कि इंशाल्लाह इलेक्शन हमारे पास हो रहे हैं और आफ्टर इलेक्शन हम एक हिंद और सिंध मेला करेंगे भुट्टो साहब का सबसे प्रायोरिटी वाला काम है जिसको आप समझते हैं कि यार ये सबसे केक की चैरी है एटम पॉप माजरत के साथ नवाज शरीफ साहब भी क्रेडिट लेते हैं बनाया किसने लेके कौन आया जुल्फकार अली भुट्टो हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान हमें अब पता चल रहा है ये लेने की बात नहीं देने की बात देने की ये पक्की बात है इसमें कायम है आप शेख रशीद साहब हम देखते आ रहे हैं वो मशहूर है सिगार में आपकी भी एक वीडियो वायरल हुई थी सिगार पीते हुए शेख रशीद साहब की आपने बात की तो मैं आपको बताना चाहूँ कि वो बहुत ही गंदे सिगार पीते हैं अच्छा जी उस लोगों को पता नहीं तो वो समझते हैं कि बड़े अच्छे सिगार जब भी मैंने उनका सिगार देखा है तो वो जो सिगार होता है वो ऐसे ही थकल सिगार है एक बुट्टो साहब की वीडियो बड़ी चलती है यूएन में कागज फाड़ने उससे आज भी प्राउड महसूस होता है आज की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में यह सलाहियत दिखती है आपको सलाम खबर तीनों मैं हूं नादिर अली क्या सियासत नहीं है बच्चों का खेल पूछे कि इनसे आए हैं आज भाई कुमैल असलैक वरह वीपी पीपी 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 पीपल्स पार्टी जिंदाबाद सर 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 वेलकम no, वेलकम कैसे कोमल भाई बिल्कुल से, आप बिल्कुल ठीक सर आप ठीक मैंने थीक हल्का सा गा दिया गाना ताकि पता चल जाए कि भाई का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है हुँ. और भाषा जितना अच्छा आप काम कर रहे हैं और जो मुझे पता चला है उस पर मैं काश खड़े होके क्लैप करता लेकिन मेरी मजबूरी है मैं बैठ के <laughs> आपको अप्रीशिएट करूँ शुक्रिया सर जवानी की उम्र में बंदा घूमता फिरता है और दोस्तों के साथ शुगल पार्टियां करता है इधर उधर घूमता है आप ये सियासत में कहाँ आ गए ये तो हमने अक्सर देखा है हम जब भी सियासतदान को देखते हैं बुजुर्ग शख्सियात नज़र आती हैं तो आप यहाँ पे कैसे आ गए बताए कुछ सर अंदरूनी जो कहानी वो बुज़ुर्गी है अच्छा <laughs> मतलब <laughs> आप भी गलती से पैदा हुए भाई <laughs> एरा एरा दूसरा है एरा दूसरा है वाह लेकिन क्योंकि सर हमने और हमारी फैमिली ने सियासत को हमेशा एज अ खिदमत लेके चला है वालिद साहब या दादा या आई एम जनरेशन इन पॉलिटिक्स एंड स्टार्टेड ये 2007 में एक छोटी सी एनजीओ बनाई थी डब्ल्यू के नाम से डब्ल्यू ओ के नाम से और फिर वो 2007 से चलता रहा फिर एल सी ए आया जिसका अभी मैं चेयरमैन ये लोकल एसोसिएशन है, है जिसमें पाकिस्तान के तमाम चेयरमैन अच्छा। और ये पहली बार सिंध को मिली है अच्छा, अच्छा तो उस जमाने में एल सी ए के साथ पार्टनर्स काम करते थे क्योंकि वालिद साहब नाजिम होते थे और ये सारा होता था फिर उसमें मेंबर बने हम खुद क्योंकि अभी मैं खुद चेयरमैन हूँ सखर से तो उस हवाले से उसमें ये शो होता है कि जो भी एल सी ए का मेम्बर बनेगा या किसी अहदे पर जाएगा वो बलदियाती नुमाइंदा ज़रूर हो कौंसलर हो नायब नाजम हो चेयरमैन हो मेयर हो समथिंग कुछ ना कुछ होना चाहिए इसका फिर वो तवील सर आपके सामने फिर इलेक्शंस थे वो भी लड़े कॉमनवेल्थ का जो सर ए, ए, मैं नॉमिनेटेड मेंबर हूँ बोर्ड का अच्छा और उसमें जो कंपटीशन था वो बांग्लादेश का था मेयर ऑफ ढाका था एम पी वहाँ से आया हुआ था एंड uh, बांग्लादेशी तरफ से वो रिप्रेजेंट कर रहे थे और पाकिस्तान से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था क्योंकि इंडिया में बलद्याती निज़ाम फुल है नहीं तो वो इंडिया उसका मेंबर बन नहीं पा रहा इंडिया था अच्छा। इंडिया का वोट है कॉमनवेल्थ में एंड श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ था उन दिनों में तो श्रीलंका का कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकता था नेपाल का भी यही कुछ हालात थे तो जो कंपटीशन था बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश था इस पूरे रीजन से अफगानिस्तान से वहाँ पे कोई थी नहीं कोई भी नुमाइंदगी नहीं थी तो वो अल्लाह ताला ने बड़ा मेहरबानी की और मुझे नॉमिनेट किया गया कॉमनवेल्थ बोर्ड का मेंबर वो हर दो साल के बाद बनते हैं एंड फिर यू कैन कॉन्टेस्ट फॉर द प्रेजिडेंट फॉर द कॉमनवेल्थ और उसमें फिर ये सारे कंट्रीज आते हैं जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जी सर माशाल्लाह माशाल्लाह स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है अभी उड़ती उड़ती आई है ख़बर कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया जा रहा है और शाहिन शाह अफरीदी स्टेप डाउन कर गए तो क्रिकेट से दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बचपन से तो ये समझ नहीं आ रहा ये बाबर आजम को तीन महीने बाद एक क्वार्टर के लिए हटाया था क्या वजह थी आप इस पर लभ करें सर हमारा जो एरा था आपका और मेरा जब हम देखते थे तकरीबन सेम ही है या दो तीन साल बड़े होंगे आप जब मैं मैं बड़ा आप, आप, आप बड़े होंगे <laughs> कहता साहब मर्द की उम्र उतनी होती है जितनी वो महसूस करता है है महसूस करता <laughs> तो आ, हमारे टाइम पे तो हम ये समझते थे कि वसीम अकरम जो है आए, सब कुछ वही है।, है यही है कैप्टन वही है और भाई और जिस तरीके से वो टीम चलाता था और ट्रीट करते थे और जो वसीम अक्रम का एक और होता था या एरा था वसीम अक्रम साहब का और सारी टीम रिस्पेक्ट करती थी कैप्टन की वसीम भाई के अलावा उसको कुछ बुलाते नहीं थे तो मैं यही समझता हूं कि यही कंटिन्यूटी होनी चाहिए उस समय और 99 की आपको टीम जो है वो आपको याद होगी अरे सर मैं समझता हूं बेस्ट टीम और और आपको याद, याद होगी ओपनर से लेकर ट्वेल्थ मैन तक हाँ। हमें पूरी टीम रटी होती थी और नहीं, ये नहीं, भी था कि अभी दो प्लेयर जो है ये बैठे हुए हैं ये अगर एनफिट हुए तो ये खेलेंगे और ये करेंगे अब ये जो इन्वॉल्वमेंट हो गई है कमेटीज की मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और आई थिंक कि मोहसिन नकवी इस सारे सिस्टम से निकालेगा पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत आगे लेके जाएगा जो नजर आ रहा है तो इसलिए उन्होंने बाबर आजम वाला फैसला लिया और कैप्टन शुड भी कैप्टन आपका क्या तजिया है कि बाबर आजम को हटाना चाहिए था या नहीं मुझे था कि नहीं हटाना चाहिए नहीं नहीं, नहीं हटाना चाहिए था क्रिकेट है आप कभी हारते हो कभी जीते हो हार पे आप उसको हटाओ और जीत पे कैप्टन बनाओ ये तो नहीं कैप्टन से बल्कि आमिर खान ने इंडियन एक्टर है उसने ये बात बोली थी कि जब प्लेयर हारता है तभी तो आपको सपोर्ट करना सपोर्ट चाहिए। करना चाहिए। जब जीत के आया तो दुनिया ही तालियां बजा रही है तब तो कोई कमाल नहीं यही बात है यही बात है अच्छा दुबई में मुझे पता चला है आपकी अरिजीत सिंह से मुलाकात हुई जी जी, 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 जी जी और आपने उसे इनविटेशन भी दी सिंध और हिंद कोई मेला कोलेब्रेशन मेला करेंगे और उसने कोई पंद्रह बीस करोड़ रुपया मांग लिया भाई हो गया <laughs> वो क्या कन्वर्सेशन थी थी बताया लगा दुबई, दुबई में हुई थी। अभी अबू धाबी में एक कॉन्सर्ट था तो मैं अफ्रीका गया हुआ था रिवाडा इसी कॉमनवेल्थ की कॉन्फ्रेंस पे सही है तो वापसी में मेरे दोस्त हैं वो यहाँ पे मुबलिंग के बड़े हेड हैं उन्होंने एक इनविटेशन रखा था कि दुबई में अरिजीत का कॉन्सर्ट है अबू धाबी में तो आप आ जाओ आप फैन हैं बस मैं अभी से जा रहा आई लाइक अरिजीत ये कि मैं कहूँ कि मैं नहीं पसंद करता आई लाइक हिज सॉन्ग्स गाने सुने गाने सुने बट आई आई प्रेफर अच्छा। मोर आतिफ असलम एंड राहत अच्छा ये बात ये बात बड़ी बात है भाई बड़ी बात है वैसे अरिजीत सिंह के फैंस हमें फिर गालियां देंगे इस बात से कि यार आते असलम लेकिन ये बात है पाकिस्तानी तो मैं ठीक है सो so, मैं गया वहाँ पे तो वहाँ पे उनके इकबाल साहब थे मुस्लिम इंडियन थे और उन्होंने वो बड़ा अच्छे मिले मेरे से उनको बताया उन्होंने कि ये जिला चेयरमैन हैं लॉर्ड मेयर हैं सकर के और लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है इनका सही है और वालिद साहब भी अच्छी पोस्टों पे हैं तो तारुफ हो रहा है तारुफ़ हो रहा है और बिलावल साहब जो हैं बिलावल साहब

अच्छी बैठे और देन ही सेड के आ, मुझे बड़ा शौक है पाकिस्तान आने का लेकिन हालात मैंने कहा पाकिस्तानियों को भी आपको बुलाने का बड़ा शौक है शादियों पे अक्सर वो जो डिमांड होती है कि अरजीत को बुलाएं तो फिर आ, मजा आए तो मैंने कहा वैसे करेंगे कि इन शाला हमारे पास हो रहे हैं और आफ्टर इलेक्शन हम एक हिंद और सिंध मेला करेंगे अबू धाबी में या दुबई में और उसमें हम यहाँ से आर्टिस्ट ले जाएंगे और आपके कुछ कंट्री जो इकबाल साहब थे उनको भी मैंने ये कहा जो, जो प्रमोटर थे जो जो प्रमोटर थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल सर और ये करेंगे लेकिन ये कुमेल साहब इसको आप यहाँ लेके आए ना यार दुबई में तो चले आते रहते कोशिश करें ये कराची या सखर में हो ये कॉन्सर्ट तो इंशार्ण, और इंशार्ण, क्या ख्याल है इंशार्ण, 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 लेकिन इनशाला जब हालात बेहतर होंगे मैं एक बात कहता हूँ वी कैन चूज अवर फ्रेंड बट वी कॉन्ट चूज अवर नेबर एनिमीज वो बर्दाश्त करे मैं तो इस चीज़ के हक में हूँ जो दीवार है बॉर्डर की इसको गिराया ना जाए इसमें छेद कर दिया जाए आप हमें दाल दें हम आपको आटा देंगे आप हमें घी दें हम आपको चावल देंगे आप हमें कुछ और दें हम आपको कुछ और देंगे इस तरीके का एक नेबर का रिलेशन होना चाहिए अच्छा एक बात बताइएगा क्योंकि ज़ाहिर है आपका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है ज़ाहिर है पूरी फैमिली आपकी और ख़ानदानी आपका मामला है पीपल्स पार्टी से तो बिलावल भुट्टो से कैसी आपकी आपकी जो मामलात हैं एसोसिएशन है कैसी है क्या है दोस्तों वाली है या एक आपस में कुलीक वाली है या आप एक दूसरे को क्या है कोई वाक़ कभी मुल्क से बाहर या यहाँ पर कोई ऐसा पर्सनल सा वाक़ जरा डिस्कस करेंगे नहीं चेयरमैन साहब चेयरमैन है सर हमारे पार्टी के लीडर हैं सबके लीडर हैं तो थोड़ा रिजर्व रहते हैं क्या है हाँ रिजर्व मतलब उनका उनका भी रवैया यही होता है कि वो आपको स्पेस देते हैं काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मैं सिंध का हूँ और मुझे उन्होंने स्पेस ये भी दिया था कि मैंने बलोचिस्तान में जाके कॉन्फ्रेंस की मैंने पंजाब में साठ लोगों को उस जमाने में जब पी नहीं बनी थी मैंने ज्वाइन करवाया पीपल्स पार्टी में और वो सारे नून लीग और पी के चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैंस थे तो मतलब आई एम सो यंग मतलब मेरे पे अतमाद करना कि ये क्या पता फाउल ना कर ले ये गलत साबित ना हो पाए लेकिन इस मामले में वो आपके अपने हर उस पार्टी के मेंबर्स को वर्कर को फुल स्पेस देते हैं और बड़े फ्रेंडली माहौल रहते हैं आपकी आपको रिस्पेक्ट करते आई थिंक ही इज़ द जितने भी इस वक्त पार्टी के हेड्स हैं ही इज़ द बेस्ट अमंग ऑल मतलब द विज़न ही हैज़ जो उसके उनके पास विजन है जो स्टेमिना है जो स्ट्रेंथ है और जो नॉलेज है आप उनसे इंटरनेशनल किसी भी टॉपिक पे सवाल करें आप मीडिया पे देखते होंगे वो आपको प्रॉपर उसका जवाब देंगे ये नहीं बताएंगे कि मेरे साथ जेल में ए होया हुआ सीट ऑनर ऑनर ये चीज़ हमने देखी है जब इंटरनेशनल फोरम पे रिप्रेजेंट करने की बात आए और जब मैंने बिलावल साहब को देखा है जब वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो नजर आ रहा होता है कि कोई पढ़ा लिखा संजीदा और चीज़ों का वाकिफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये असल में चली आ रही है भुट्टो साहब से और और सर ये नेशनल भी ये नहीं कि सिर्फ नेशनली भी जो उनको मस, जिस मसले पे वो आ, आप अर्बन फॉरेस्ट देखें इससे पहले हमारे क्लाइमेट के कितने माहौलियात होते थे मसले उनको अर्बन फॉरेस्ट की फुल नॉलेज है कि कहाँ पर मैंग्रोव लगाए जाएँ कहाँ पर कौन से फल लगाए जाएँ कौन से जानवर रखे जाएँ ये सब उनको नॉलेज है अभी आप ये सोलर बिजली पर देखें वो कितना बड़ा एक्शन लेते हैं उन्होंने नया जो अपना मैनोफेस्टो दिया है कि मैं तीन यूनिट फी घर फ्री दूँगा उस पर उन्होंने पूरी अपनी डिटेल भेजिए कि यू वी शुड मे मेक ए सोलर पार्क और ग्रिड स्टेशन को कन्वर्ट किया जाए सोलर्स पे ताकि वो या बिजली फ्री करें या वो 300 यूनिट फ्री करें तो उनका बड़ा जब ये पिछली बार फॉरेन मिनिस्टर थे इतना बड़ा हमारे पास सैलाब और डिज़ास्टर आया तो आप देखें कि नवाज़ शहबाज शरीफ साहब से जो पहली बात पर वो नाराज़ हुए और जब उन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन दूँगा वो इन्हीं बात पे दिया कि जो वादा किया गया था वफाकी गवर्नमेंट का कि आपको पैसे देंगे लोगों के घर बनाने के लिए वो उसमें डिली हुई थी तो उनको बड़ा माशा बहुत ज़बरदस्त जिंदाबाद है जिंदाबाद नहीं नो डाउट जाहिर है भाई अच्छी की तारीफ़ भी अच्छी बिल्कुल बात यह है और मुझे एक चीज़ याद आ रही है जब आप बोल रहे थे आपने भी एक ऐसा काम कर दिखाया जो कि तारीख रकम कर गया वो है वाईफाई फ्री वाईफाई जी सर मैं समझता हूँ ये इस चीज पे बड़ी दुआ मिली और हमने और हमने पहला किया नवाज साहब ने हम हमारे बात किया मतलब सही है चले <laughs> नकल अच्छी की नकल अच्छी <laughs> बात ये है कि वो क्या एक्सपीरियंस था आपने ये सखर में रोड़ी में रोड़ी फ्री वाईफाई चला दिया और पासवर्ड है नासिर शाह सर्विस अच्छा पासवर्ड इज नासिर शाह अगर किसी ने सख्तर में इस्तेमाल करना है <laughs> तो पूरे में वाईफाई बिछाया हुआ वाई है और रोड़ी रोड़ी में में भी, भी आएंगे आगे अच्छा रोड़ी और सख्र हम तो एक ही समझते हैं सर एक ही है ट्विन सिटीज इलाके अलग ट्विन सिटीज बेसिकली इस, इस नेम इज इस बखर 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 था गोरों के जमाने में या गोरों से पहले वो एक छोटा सा आइलैंड था फिर बखर से वो आगे बड़ा बना सक्खर एंड रोड़ी इज रोहड़ी सिटी सवा लाख पीर है इसलिए रोड़ी को रोड़ी शरीफ कहा जाता है अच्छा 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 क्या बात है क्या बात है हम तो जब पंजाब जाते थे और रेलगाड़ी रुकती थी तो रोड़ी स्टेशन जंक्शन जंक्शन आता था और वहाँ पे सबसे बड़ा जंक्शन होता था और वहाँ पे ट्रेन रुकती थी आधा घंटा और वो रिफिल भी होती थी और वहाँ पे हम खाना वाना खाते थे और क्या ताज़ा खाना मिलता होगा ताज़ा खाना भाई बहुत अच्छी जर्नी अच्छा एक बात बताइएगा ये जब रोड़ी की बात हो रही है और सारे सख्र की बात हो रही है तो ये बड़ी मेहरबानी होगी ये सक्कर टू हैदराबाद ये देखे साही। ये मोटरवे ऑपरेशनल कर करते अल्लाह का वास्ता है हम बाजार जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा ट्रक वाले टिडी पापा टिडी पापा ये वॉयलेशन करके आपकी गाड़ी को रोक देते हैं और ये भी इतना बाय रोड सफर करते हैं मुझे जो पता चला दी, 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 है तो आपको तो चाहिए कि आप इसको फौरी इस पर एक्शन लें और क्योंकि ये आपके डोमेन में आता है ये बताएं ये कब ऑपरेशनल हो रहा है सक्कर टू हैदराबाद ये डेढ़ साल में पक्की बात चारी, है सर ये बन, बन जाएगा दो, दो साल में दो साल दो साल में क्योंकि सर ये अभी सखर से आगे निकला है ये थोड़ा सा जो डिले हुआ कहाँ तक पहुंच गए ये रानीपुर के करीब है बाकी तो वो लैंड एक्विजिशन तो पूरी हो गई है लेकिन वो जो अभी आपने हाल ही में आठ नौ महीने पहले इशू सुना था मटियारी वाला जो जिन्होंने वो पैसे ले लिए थे मोटरवे वाले जमीनों के ये उसकी जरा थोड़ा डिले हुआ क्या वो वो लग अच्छा ये बेसिकली डिले क्यों हुआ वो भी आपको बता दूँ हाँ। स्टोरी ये भी पता होनी चाहिए आपके तवजु से नहीं, मीडिया नहीं है। बिल्कुल ये बढ़िया ये है है। सी पैक में कराची तक था और ये मियाँ साहब ने चेंज करवाया वेन ही वॉज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने वो चेंज करवाया उन्होंने कहा सखर तक बना दो और बाकी मुझे आप वो जो डेरा खान है क्या है वहाँ से कोयटा निकाल दो डेरा बुक्टी नो 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 एक शहर है सिटी है, है फ्रॉम पंजाब वहां से वो बलोचिस्तान डेरा गाजी खान वहां से वो कनेक्ट हुआ है टू द कोटा जो लिंक था जब चाइनीज बना रहे थे वो एक्चुअली था सखर टू हैदराबाद और वो रोका गया अच्छा फिर सोने ओ... पे सो आ गया हमारा प्राइम मिनिस्टर आ गया खान साहब अच्छा खान साहब ने तो फिर पहले डेढ़ साल तो सखर और लाहौर वाला इनोग्रेशन नहीं किया उन्होंने कहा क्योंकि ये नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट है और ये मैं नहीं करूँगा उसकी वाह हो जाएगी फिर हम सक्कर के सारे सियासतदान नासिर शाह साहब खुर्शीद शाह साहब हमारे एम एन ए नुमान शेख साहब ये सब कोर्ट में गए कोर्ट में इन्होंने केस किया कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसको ओपन किया जाए जब ये तैयार है फिर ये मिनिस्टर जो थे मुराद सईद साहब फिर भी खान साहब खुद नहीं आए फिर मुराद सईद आए और उन्होंने जाके इसको स्टार्ट करवाया डेढ़ साल एक साल जैसे ऑरेंज ट्रेन को उन्होंने डिले करवाया था ये सखर और लाहौर मोटरवे इन्होंने स्टॉप करवाया डीसी परमिशन देता था किसी वीआईपी कार को कि आप चले जाएं

लड़ेंगे मीडिया गाली, मीडिया बुरा भला कहेगी ये कहेगी तो उन्होंने एक बहरिया टाउन और ये जो बनाया हैदराबाद तक उसको आपको याद होगा दिया यस M9. यस M9, yes, yes. अब मोटरवे में होता है और हमने सिंध असम्बली में सबने पीपल्स पार्टी ने इस बात पे बड़ा शोर मचाया कि या हमें मोटरवे बना के दिया जाए हैदराबाद टू तो कराची yes. या इसको नेशनल हाईवे रखें अब भी उसको नाम उन्होंने किया और पैसे भी वही ले रहे सुपर हाईवे कर दिया और पैसे वही ले रहे पैसे भी वही ले रहे ये अभी आब, अब अब इनशाला बहुत सारी चीज़ें सर बेहतर होंगी आप पहले कराची से अगर आप इंटीरियर में आते थे तो आपको कम से कम सौ साल का डिफरेंस लगता था शहरों में एक ही सूबे में आप घूम रहे हैं कराची को देख के और आप ठट्ठा हैदराबाद आते थे या आप सखर ओड़ी का मिसाल दे रहे हैं अभी इन शह मैं आपकी टीम को दावत दूंगा और सबको अब आपको बड़ी खुशी होगी जब आप सक्खर हैदराबाद लाड़काना सिंध के ये दूसरे डेवलपिंग सिटीज़ देखेंगे आपको सही लगेगा कि भाई कुछ सर कुछ सिम थे मैं एक बात बताऊं वो तो इन हमारी दुआ है हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान वो हमें अब पता चल रहा है ये लेने की बात नहीं देने <laughs> की बात पता नहीं क्या हो रही थी लेने की बात हो रही थी देने तो की सर देने की है पक्की बात आ, है इस पर कायम आप अब बात यह है कि ये अब आवाम बोलती है कि यार नजर आना चाहिए जो कि अब आप जैसे लोग जाहिर है अब आ रहे हैं माशाल्लाह और हम टू बी ऑनेस्ट उम्मीदें रख रहे हैं और पढ़े लिखे और बाय द वे आप इंग्लैंड से भी पढ़ के आए हैं और यहाँ कराची में भी पढ़ा है वो कहाँ से कौन सा इदारा बताया था आप लिकोल से सर वो एफिलेटेड विद द यू के इंग्लैंड लिकोल के साथ है और बाकी मैं इंग्लैंड में कोर्सेस करने गया था जो डिग्री है वो यहीं की लिकोल है पॉलिटिकल साइंस है अच्छा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के एक एक क्वालिटीज आपने सबसे लेनी है जाहिर है आप तो देख रहे हैं ना सबको अब इसमें कोई भी हो सकता है अच्छा एक आपने क्वालिटी लेनी है नवाज शरीफ साहब से एक आपने इमरान खान साहब से लेनी है एक मौलाना फजल रहमान से लेनी है एक आपने लेनी है जरदारी साहब से और एक आपने बिलावल साहब से लेनी है अच्छा इन सबसे लेनी है एक है। एक क्वालिटी लेना है आपने तो सबको देखा होगा ना जरदारी जीनियस, ज़हीन, डिटरमिन और अपनी कितने भी आप इल्जाम लगाए जाएं, लेकिन अपनी बात पे पुख्ता रहना वाह मौलाना फजल नमाज पढ़ना वाह वाह। वा। इमरान खान इमरान खान की जवानी वाला टाइम <laughs> जो भी, लेकिन वो एरा वो जवानी वाला टाइम जो भी मुझे शर्ट पहन के और वो बड़े जॉली थे अच्छा हाँ। और नवाज शरीफ साहब अल्लाह के फजलो करम से नवाज शरीफ साहब से आई थिंक जो ये आ, तीन बार चार बार प्राइम मिनिस्टर बने ये लेना चाहूंगा कि चार बार बंदा प्राइम मिनिस्टर बने तीन बार बने ऐसी किस्मत हो कि आप तीन बार प्राइम मिनिस्टर बने मुल्क का और बिलावल साहब से ऑनेस्टी द वे ही इज ऑनेस्ट फॉर द पाकिस्तान एंड फॉर द पीपुल ऑफ सिंध एंड पर्टिकुलर हिज पार्टी एंड फॉर एवरी वन आई थिंक आई मतलब मैं उनके साथ जितना भी साथ रहा हूँ द ऑनेस्टी उनके बाद ख़त्म है सर मतलब आप कोई भी अगर कोई महफिल इनको गलत आइडिया भी देगा ना कि सर ये तो वो कहेंगे हम गलत नहीं करें ये कर रहे हैं वी काट एक पसंदीदा एक्ट्रेसेस भी होती है इंसान की और वो जब आती है स्क्रीन पर तो मतलब रुक जाता है तो वो कौन है आजकल की लॉट में तो मैं इतना आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दैट मच टी वी शीवी बट पुरानी एक्ट्रेसेज में या पाकिस्तानी इंडियंस दो दो, दो. में दोनों दोनों पुरानी एक्ट्रेसेज में आई आई एडमायर फरियाल गोहर जी uh, महानूर बलोच साहिबा यस yes, यस yes, यस yes. वो तो पता नहीं कौन सी आबे भी क्या है। <laughs> <laughs> वो तो बुजुर्गी तो आई नहीं रही है मेरे पर दादा बोलते थे कि मैं क्रश है मेरे लिए मानूर बोलो क्या बात है भाई अल्लाह उनको ऐसे ही रखे भाई वाह वेरी गुड ऐसे ही रखे तो वो बहुत पसंदीदा है मानूर बलोच साहब आउट हैं और आ, दिस गर्ल ईमान अली yes. खुदा खुदा के लिए जिन्होंने यस यस खुदा के लिए मेन एक्ट्रेस मेन एक्ट्रेस थी वो वो भी उनका भी अच्छा काम और ये इंडिया से आपने कौन सी बताई है इस दिया से माधुरी माधुरी <laughs> बात ही मुका भाई माधुरी वेरी गुड यार अच्छी चॉइस है हेमा मालनी जी हेमा मालनी जी क्या बात है यकीनन आपके वाले साहब को भी पसंद होगी आप लोग भी <laughs> क्योंकि बहुत पीछे चले गए और बहुत खबर हजरात वाले साहब का मैं जिक्र यूँ कर रहा हूँ कि बड़े मशहूर व मरूफ और नासिर हुसैन शाह साहब उनके माशाल्लाह साहबजादे हैं और सबसे पहले चले इनका ही बता दीजिए नासिर हुसैन शाह साहब को जब आपने बताया कि यार मैं भी पॉलिटिक्स में आना चाह रहा हूँ या उन्होंने तजवीज़ दी थी या आप आए क्या हुआ सर ऐसा हुआ कुछ नहीं बस मैं बचपन से मेरे दो बड़े भाई दिए एक, एक छोटे हम चार भाई हाँ जी तो जो दो बड़े हैं वो उनका थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है नहीं और न, न था सो आ, मैं बचपन से ही बाबा के साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बैठता था, था जाता था और जो सबसे बड़े वो बिजनेस बिजनेस संभालते हैं ज़मीनें वगैरह जो हमारी है वो दूसरे बैरिस्टर हैं माशाला वन ऑफ द लीडिंग फर्म उनकी अभी इस वक्त पाकिस्तान में छोटा अभी, अभी 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 उसकी शादी हुई है छः सात में ये जो अभी हम सोशल मीडिया पे देख जी जी रहे थे और बड़ी सब माशाल्लाह आए हुए थे जी वो जी वो छोटा भाई था मेरा सो मैं ही था उनके साथ और फिर इंटरेस्ट खुद ही डेवलप होता गया एन बनाई उन्होंने कभी भी किसी काम से मुझे रोका नहीं था एंड ही ऑलवेज़ इनकरेज इन दैट वे किफ आई से कि मुझे ये यूथ मेला करना है यूथ कॉन्फ्रेंस करनी है सो वो कहते थे हाँ भले करो बट वो वो मुझे फिर उस वो हेल्प नहीं करते थे ये कॉल करके नहीं किसी को कहते कि बिकॉज ही इज़ माई सन आप इसको ये इतनी एड दे दें वो मुझे खुद जाना पड़ता था हर ऑफिस अच्छा मतलब उन्होंने प्रॉपर जो धक्के आपके हाँ, हाँ, वो उन्होंने कहा कि खाओ हाँ, बत, आ, आ, और, ये, अच्छी ये उनकी बहुत अच्छी अब अब मुझे समझ आती है जब हम उस एज में आए आज से दस बीस साल हो गए पंद्रह साल हो गए कि ये उनका बड़ा एक जबरदस्त डिसीजन आपको हमेशा अप्रिशिएट तो मैं मैं कहता ये अप्रीशियट अख्तर साहब को बुलाना चाह रहा हूँ हाँ वेरी गुड जरूर जरूर बिल्कुल बुलाए और अच्छी बात है और ये है लेकिन वो जो उसका वो सारा समअप करना होता था वो मुझे आपको यू हैव टू डू एंड यू नो यू गो और उस ज़माने में वो नाजम होते थे ज़िला नाजम होते थे yes. सखर के और तो ये उनका एक हमेशा सपोर्टिव एंड वेरी दोस्तों की तरह रहना रिस्पेक्ट आपके कमरे में भी, भी आना तो नॉक करके आना इज्जत से आपसे बात करना आई लर्न अ ही इज़ लाइक आइडियल टू मी आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम द वे ही केयर्स नॉट हमारी आम इंसानों की भी जितनी वो केयर और इज्जत करते हैं कि आपको मैं दो तीन वाक्य बताऊंगा बिजली का हमारे पास बहुत बड़ा बुरान है सर बहुत ज़्यादा तो हमारे इलाके में वापडा वाले आए कि क्योंकि भाई नासिर शाह साहब का घर है तो हम आपको एक्सप्रेस कर देते हैं एक्सप्रेस उन्होंने ये किया था कि एक्सप्रेस वो घर बिजली लेंगे जो बिल टाइम अदा करेंगे टाइम अदा होगा और आपकी बिजली जाएगी नहीं और कुंडा सिस्टम खत्म अच्छा ये एक्सप्रेस है इसको एक्सप्रेस कह जाता है बिजली बिल देना है आपको और

पड़ोसी जो है वो कुछ गरीब लोग हैं सो यू नो आप उनसे एक मीटिंग कर लें ऐसे नहीं वो उनका जो हो उनका मसला हो तो हमने कहा ओके हमने उन सबको बुलाया तो मतलब मैंने फिर ये नोट किया कि वो छोटे छोटे ये केयर्स भी करते थे लोगों की सो बेस्ट हिम्मत भी नहीं नहीं बिल्कुल सही है बहुत अच्छी बात है और उनकी असल में ये क्योंकि आवाम की एक वो एक खिदमत कर रहे हैं सर्विसेज हैं तो ये तो उनका फ़र्ज़ भी है और वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है मुझे ये बताइएगा क्योंकि मैं आपको ज़ाहिर है बहुत देर से वॉच कर रहा हूँ घड़ियों का शौक है लग रहा है ऐसे, ऐसे हल्का है? या गिफ्ट आ जाता है या क्या है थोड़ा सा है। नहीं सर ले, ले 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 भी लेते हैं मतलब लेते रहते हैं और आ, अच्छे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी है कि अच्छा जब अल्लाह ताला ने आपको तो आप अच्छा अच्छा पहने अच्छा सफाई नसी है तो बेशक तो है ड्रेसिंग वगैरह का शौक और आउटफिट्स का करते रहते हैं तो वाह अच्छा कौन सा मुल्क है जो कि आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन में अच्छा, पेट्रियाजम को साइड पे रखिएगा प्लीज हाँ, हाँ। अब वो बताएं जरा कि यार यहां मैं रह सकता हूँ जाने का, का शौक हो या रहने का रहने का भी शौक या जाने का बार बार शौक मैं आ, क्यूबा नहीं गया सर और हर साल मैं क्यूबा का प्लान करता हूँ लेकिन सम हाउ जा नहीं पाता तो इस साल पक्का प्लान यूरोप क्यूबा क्यूबा इज द प्लेस फॉर द दिगार्स और अमेरिकन पाबंदियों के बाद 1958 फिफ्टी या 56 के बाद उन पर बैन लगाए तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आज तक 1958 और 56 गाड़िया, की गाड़ियाँ टीवी डब्बे वालियाँ कैरम खेलना मियामी से आगे है तो अमेरिका अच्छा, और फीडरल कास्टो सर सही फीडरल कास्टो सही क्यूबा सही अच्छा सिगार से याद आया सिगार तो एक शेख रशीद साहब हम देखते आ रहे हैं वो मशहूर है सिगार में आपकी भी एक वीडियो वायरल हुई थी सिगार पीते हुए हाथ में पकड़ते हुए पीते तो, हुए नहीं हाथ में पकड़ते हुए तो वो क्या थी सिगार और वो सुनने में आ रहा है रोमियो जूलियट सिगार था क्या आठ दस हजार रुपए आला एक सिगार था कौन सा सिगार था नहीं, नहीं, तो नहीं, नहीं, नहीं पता नहीं आठ दस हजार का सिगार तो नहीं था सिगार था सर और शेख रशीद साहब की आपने बात की तो मैं आपको बताना चाहूँ कि वो बहुत ही गंदे सिगार पीते हैं अच्छा जी को लोगों को पता नहीं तो वो समझते हैं कि बड़े अच्छे सिगार जब कितने रुपए बहुत थका हुआ शेख साहब इसका उम्र भी नहीं है आपकी और थका हुआ शिगार पी रहे हमें फर्स्ट नॉलेज अच्छा तो वो आप कौन सा वाला तो मतलब मैं भी, मैं भी से सही नॉर्मली लेकिन मैं वो हाथ में था मैं तो ऐसा था नहीं, सीन। ये ने उसको कर लिया था, लेकिन नहीं कोई लेकिन नहीं रोमियो जूलियट सिगार आई थिंक कौन सा आदमी दो हजार पंद्रह की बात अच्छा लेकिन एक मुशर्रफ साहब पीते थे और वो शेख साहब ने इंटरव्यू में बताया था कि पता नहीं कौन से मुल्क का प्रेजिडेंट

Yeah. Yeah. अच्छा भुट्टो साहब की बात हो रही है भुट्टो साहब की क्योंकि हम तो जाहिर है उस वक्त तो पैदा भी नहीं हुए थे हमारे वालिद साहब का दौर चल रहा था हम पता नहीं कहाँ होंगे उस वक़्त दिमागों में होंगे वालि साहब के <laughs> 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 तो, तो एक भुट्टो साहब की वीडियो बड़ी चलती है यू एन में hmm. कागज़ फाड़ने वाली hmm. कि हम जा रहे हैं वो उससे आज भी प्राउड महसूस होता है कि यार पाकिस्तान को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये तो आप ख्वाबों में ही हम सोच सकते हैं कि इस तरीके से यूनाइटेड नेशन को आके दिखाना जो भुट्टो साहब ने दिखाई और क्या आज की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में ये सलाहियत दिखती है आपको कि जो भुट्टो साहब की थी भाई आई थिंक बिलावल साहब इज लाइक द सेम वर्जन ऑफ भुट्टो साहब नंबर वन नंबर टू सर, like Number Number two, सर आप, आपको पता भुट्टो साहब को शहीद जब किया गया था तो एज क्या थी उनकी 56 हाँ, होनी क्या था टोटल साहब का सारा मिला के छ से सात साल सात साल में आपको एटम बम बनवा दिया फर्स्ट एन आई सी दे दिया एन आई सी तिहत्तर का कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया स्टील मिल लगा दी पी आई ए को ऊपर कर दिया आपको आम आवाम को वोट देने की ताकत दे दी अच्छा। ये सारे जो इकदाम हैं मुस्लिम उम्मा कॉन्फ्रेंस करवा दी सही ठीक है सर ये सारे जो इकदाम है ये भुट्टो साहब के उन आठ साल के सो हु डिड द लीड टू पाकिस्तान और ये सारे काम आफ्टर भुट्टो साहब जितने भी आप कराची देखें आप, आप ये जितनी भी चीजें देखें आपका दैट गवादर पोर्ट देखें हु स्टार्टेड गवादर पोर्ट भुट्टो साहब भुट्टो साहब का सबसे जो प्रायोरिटी वाला काम है जिसको आप समझते हैं कि यार ये सबसे केक की चैरी है।, अच्छा के है नवाज शरीफ हम अगर नवाज शरीफ को ये डिस दें कि उन्होंने अपने में इसको नहीं चलाया तो ये हम अपने साथ जाती करें। अच्छा। नवाज शरीफ वॉज अ प्राइम मिनिस्टर जब एटम बम का उन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट किया। बनाया किसने लेके कौन आया खान साहब को हाँ उनका किरदार है इसमें हाँ अब्दुल कदीर खान का किरदार है सर कैसे नहीं हम उसको किरदार को बिल्कुल हम उसको आ, सलाम पेश करते हैं बट हु वाज़ द पायोनियर जुल्फ्कार अली भुट्टो अगर मैं आपके वालद साहब या मेरे वालद साहब इस घर की बुनियाद नहीं रखें और कल को हम पैलेस बना रहे हैं और क्रेडिट उसका मैं लूँगा या मैं अपने वालिद साहब को दूँगा वालिद साहब को दूँगा बेशक बेशक नहीं जरूरी है ज़रूरी है और बेनज़ीर साहिबा पे आते हैं उनके हवाले से आप क्या समझते हैं कि जो उनका टॉप प्रायोरिटी वाला काम जो रहा जो भी उनकी सियासत की जर्नी रही उसमें कौन सा काम आई थिंक इतनी बहादुर लीडर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जिसको थ्रेट भी हो जिसको पता हो उसको मार रहे हैं जो जैसे उतरी है उन पर अटैक किया गया है उस अटैक करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब उन शहीदों के घर पे गई है जिसको प्रेसिडेंट मुशर्रफ उस वक्त का प्रेसिडेंट मना कर रहा है कि आपको मार दिया जाएगा आप मत करो जिसको अहमद करजाई अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट आके सुबह को इस्लामाबाद में मिलता है कि वी हैव स्ट्रांगली रिपोर्ट कि दे विल अटैक ऑन यू उसके बावजूद शी कंटिन्यू एंड आप सिर्फ ये देख लें सर कि वाई शी वॉज कंटिन्यू दीज ऑल थिंगस जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ़ पाकिस्तान पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं है सिस्टम उनके पास पूरा था मतलब दो बार प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी लेकिन वो जो उनके वालिद का मिशन था उनको चलाना तो बेनजीर का वो जो नडर कंट्रीब्यूशन आपको वो दे गई बीइंग बीइंग अ अ वुमन वुमन भी भी देखें देखें आप ये कि कोई मर्द लड़े कोई मर्द फाइट करे और जेल काटा है उन्होंने ऐसी बहादुर ये जितने भी ये सब ड्रामे करते हैं आजकल के ये सब उनको फॉलो कर दे ऑल आर फॉलोइंग बेनजीर भुट्टो नो डाउट नो डाउट लड़ना बात करना अपनी बात मनवाना तो ये बेनजीर साहब और बेनजीर साहब को आप देखें कभी भी इकदार पूरा नहीं करने दिया गया दोनों टाइम उनको आधे इकदार में उतारा गया है अच्छा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे आ जाते हैं पीपल्स पार्टी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं जिसपे जाहिर है जिस पे आप लोगों की सारी पार्टी जिसपे काम कर रही है आप लोग काम कर रहे हैं उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स बताना चाहेंगे क्या क्या हो रहा है सर हमारा आ, सबसे जो बड़ा अभी इस वक्त आ, काम है वो मोटरवे मोटरवे मोटर वे, <laughs> <laughs> मोटर वे तो ज़रूर है लेकिन जो ये पिछले डिज़ास्टर में लोगों के घर टूट गए थे तोड़ तो, सैलाब की वजह से हम उसकी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस और हम माशाल्लाह बिलावल भुटो साहब उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब हुए डिफरेंट एन को हमने काम दिया है फेडरल गवर्नमेंट उसमें बहुत सपोर्ट की है सिंध गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और हर अजला में और थ्रू उसको उसको साफ शफाफ करने के लिए हमने उसको एन जी ओज डाली उसमें ताकि ये ना हो कि अपनी पार्टी वालों को दे रहे हैं हमें नहीं दे रहे तो वो एन जी ओज काम कर रही है गवर्नमेंट पैसे जो दे रही है सिंध गवर्नमेंट हो फेडरल गवर्नमेंट हो वो एन जी ओज कहीं हैंड्स हैं कहीं एस आर एस हो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है तो हम इन एन जी ओज के थ्रू ये काम कर रहे हैं सही तो ये बहुत अच्छा है उस पर दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है कि हम तीन सौ यूनिट फ्री दें सोलर पार्क्स बनाएं इलाकों में या फ्री करें बिजली या कम से कम फी घर को 300 यूनिट क्योंकि बिजली आजकल बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है आम आवाम आम गरीब पे ये जो रोज़ यूनिट पे पैसे बढ़ रहे हैं तो वो बहुत बड़ा एक उन पर प्रॉब्लम है तो अगर 300 यूनिट कम से कम उनको फ्री मिलेंगे तो उनके लिए बहुत एक अच्छा मैसेज होगा ये वाह गाड़ियों का शौक़ क्योंकि वा, मुझे भी मर्द हैं तो गाड़ियों का शौक़ सवारी तो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है और सवारी में मर्द का ख़ास तौर पर टाइम गुजरता है ज़्यादा मैं समझता हूँ इंसान को अपनी औकात से बढ़कर सवारी लेनी चाहिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कौन सी गाड़ी पसंद है किस तरह की कैटेगरी को पसंद करते हाँ वो नहीं पसर नहीं रोडो की वजह से <laughs> नहीं नहीं वैसे ही पहाड़ दिया घूम <laughs> <फरारी laughs> रहे ये मोहम्मद अली सोसाइटी में चेचा पढ़ा नहीं लेकिन मैं अच्छी गाड़ियाँ शौकीन हूँ मतलब अच्छी गाड़ियाँ होनी चाहिए और कोशिश करता हूँ इस टाइम फेवरेट गाड़ी कौन सी आपकी मेरी बचपन से एक ही गाड़ी फेवरेट रही एल एक्स फाइव सेवेंटी रोल्स रॉयस भाई क्या बात है यार ये रोल्स रॉयस के सर इतने भ्रम है कि ये लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कराते वो बोलते हैं हमें करनी ही नहीं और हमारी एक जाहिर मार्केट है उसको हमने उसी को फिल कर दें तो बहुत बड़ी बात है मेरा यूरोप जाना हुआ तो अब तो हम तो वही सोच रखते हैं कि भाई देखें तो एक जगह पे हाईवे पे उनका मर्सिडीज का शोरूम आया है लेफ्ट पे ऑडी का शोरूम आया तो हम देखते हुए जा रहे हैं कि भाई क्या बात है किसका शोरूम बड़ा है अब अब यहाँ से दादा कर रहे हैं शोरूम शोरूम किसका बड़ा है लेकिन वो आप यकीन करें ऑडी का थोड़ा सा बड़ा था ऑडी <laughs> <laughs> आगे निकल गया मैंने कहा ऑडी बड़ा ब्रांड है भाई क्या बात है क्या बात है कुमेल साहब अल्लाह आपका भला करे खाने में क्या पसंद है ये बताएं मैं बहुत ज्यादा सिर्फ फूडी था फूडी था, था।, था। वजह बहुत सा खाने खाता था बहुत ज्यादा खाना अच्छा फूडी एक तो होता है देखिए कि चकली है ये भी चकली है ये भी चकली है एक होता है मतलब बाकायदा जिसे फोड़ देना मतलब खा जाना भाई तू सब खा

बच्चे की पैदाइश हुई बिरयानी खतने हुई बिरयानी उसके बाद पहली सालगिरह हुई बिरयानी उसके बाद बच्चा जवान हुआ शादी हुई बिरयानी उसके बाद उसी बच्चे का इंतकाल हुआ फौदगी में बिरयानी चालीस में बिरयानी उर्स में बिरयानी बिरयानी चल रही है मैं बिरयानी तो है बट मैं डाइट जो अपनी तोड़ता हूँ सर वो तोड़ता हूँ समोसे पर अच्छा कौन सा आलू का आलू क्या बात है जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक मैं बीवी रहूंगी तेरी शलू क्या गाना था भाई वो आलू का समोसा क्या बात है ज़बरदस्त और रमज़ानों में तो खैर आलू का समोसा तो बड़ा मैंडेटरी आलू ही बना देती है अरे आलू ही बना देती है और बड़ा रश होता है सर बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर और, और अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे एक तो मैं अपना पॉइंट बता रहा हूँ आपसे मिलके मुझे ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा लगा और देखें हमारा एक्सप्रेशंस का काम है हम 2009-10 से प्रैंक्स कर रहे हैं तो रोड पे हम बंदे को देख के बता देते थे ये हमें कितना मारेगा <laughs> जब हम प्रैंक अटैम्प्ट करते थे तो इतना एक्सपीरियंस है तो मुझे मिल के तो बहुत अच्छा लगा और इनको बेस्ट विशेज दूंगा क्योंकि इनका बड़ा बड़ा ब्रॉड विजन है और मुझे अभी ये बिन्ड द कैमरा बता रहे थे कि हम बहुत कुछ करने वाले हैं इन अल्लाह इस तकामत दे। और आपके वालिद साहब को भी Amen. और चीफ मिनिस्टर साहब को भी और के ताकि वो पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सिंध की खिदमत करें और Amen. लोगों की दुआएँ लें थैंक यू सो मच अल्लाह आपको जराया कर देखे खुवातिन आज की पॉडकास्ट कोमैल साहब के नाम और इस पॉडकास्ट को यीन आपने इंजॉय किया होगा मेरा काम इंजॉय करेंगे आप जाहिर है आपने इंजॉय करना है हम हम जब मर जाएंगे तब आप रूठिएगा अभी आप इंजॉय करें तो आज की पॉडकास्ट कुमैल साहब के नाम और बस हमें दीजिए इजाज़त इस यकीन से इस अपने से कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा मुझे और कुमैल भाई को दीजिए इजाज़त अल्लाफ़